क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नालासोपारा के राजनगर में शनिवार की रात 3 दुकानों में चोरी। शनिवार की रात नालासोपारा के लिए एक मनहूस रात रही। एक तरफ जहां एक पिता ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर खुद की जीवन लीला समाप्त कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनगर दुबे मेडिकल कॉलेज के पास चोरों ने सेंध लगाकर 2 किराने की दुकान व 1 स्टेशनरी की दुकान के शटर का लॉक तोड़कर उसमें रखे माल पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने गणेश किराना स्टोर व स्वीट होम सुपरमार्केट व एक अन्य दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदारों ने बताया कि हमने अभी हाल ही में दुकान में सामान भरवाया था और चोर दुकान का सारा सामान ले गए। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने हमसे सभी सामान का बिल मंगाया है, जिसके बाद मामला दर्ज होगा। आपको बता दें कि सोनलाल जी, क्या हुआ? सोनलाल जी, मेरा सब दुकान में सब माल रात को लेके गया, सब पूरा पूरा दुकान खाली कर दिया पूरा। मेरा 1,20,000 का खाली कल मैंने तेल लाया था, वो भी लेके चले गया और पूरा मेरा सब माल का सब गुणी सब लेके चले गया। एक भी नहीं रखा दुकान में, माल बेचने के लिए कुछ नहीं। 60,000 रुपया कल कैश पड़ा था देने के लिए व्यापारी को। मैं सुबह देके आया, व्यापारी मेरे को झापड़ मार के चला गया। अभी सुबह सुबह आके बोलता है पैसा क्यों नहीं दिया तूने, और मैं बोला सब माल चोरी हो गया मेरा, सब लॉक तोड़ दिया मेरा बाहर का। आपको कब पता लगा कि दुकान? मैं सुबह 8 बजे दुकान खोलने के लिए आया तो उधर ही मैं गिर गया, पूरा मेरा लॉक टूटा हुआ देखा तो मैं अंदर आया। गले में तो गले मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैन कार्ड सब लेके चले गया। फिर मेरा बच्चा आके मैंने उठाया मेरे को, फिर बोला चलो पापा 2 मिनट रुक जाओ। फिर बाद में पुलिस ऑफिस में कंप्लेंट करने गया तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारे सब पहले लेके आओ, तुम कागज पत्र लेके। मैं क्या लेके आओ उधर? जीवन कुमार, यहाँ पे कब चोरी हुई आपको कब पता लगा? कल रात को हम लोग 9 बजे बंद किए थे दुकान, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे तक दुकान में ताला वाला तोड़ा पड़ा था और माल काफी सारा चोरी हो गया था। आप किसी पे शक है? किसी पे शक है आपको? नहीं, किसी को शक तो नहीं, लेकिन अभी रात को चोरी हुआ है। हम लोग तो सुबह आ गए, रात को बंद कर सुबह आ गए मॉर्निंग में दुकान पे, तो आज वाले का बोला तेरा जो दुकान टूटा है और मेरा बाजू साहब उसका भी टूटा है, आगे भी टूटा है। हम लोग इतना किए और क्या, देखो यहाँ पे लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग कम से कम 60,000 का नुकसान हुआ कल का। ये 4 दिन में मेरे को 70-80,000 का माल आया है, सब सामने बिल भरा अपने को। पुलिस आई थी? पुलिस हम गए थे सुबह 9 बजे, उधर एनसी लिया नहीं है और बंदा आया था साथ में, उल्टा फोटो वोटो लेके आ जाओ, जो भी बिल है तुम्हारा टेंडर चौकी में हो, ऐसा बोला है हम लोग। कोरोना काल में जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है, छोटे छोटे व्यापारी जैसे तैसे व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में ये चोरी उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन के रवैये पर जनता भी आक्रोशित हो रही है। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।